तो आज मैं आपसे सबसे पहले बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप अभी हमारी ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, पारिदा रिव्यू का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जाके कर लो और इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। हेलो एवरीवन, आई एम चरणजीत सिंह एंड यू आर वॉचिंग पारिदा टेक न्यूज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं आज की टॉप 10 टेक न्यूज इन 2 मिनट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज नंबर 1। तो सैमसंग ने अपना गैलेक्सी S20 FE फैन एडिशन लॉन्च कर दिया है $699 का। अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो 52,000 के आसपास का पड़ता है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाएगा, 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 25W का फास्ट चार्जिंग है इसमें, 8GB की स्टोरेज है, 125GB का वेरियंट है और 256GB का वेरियंट है इसमें। इसके अंदर जो सेल्फी कैमरा है वो 32 MP का है और रियर कैमरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, 12+12+8 MP इसमें दिया गया है। कुछ दिन पहले सैमसंग ने अपने फोन लॉन्च किए थे एम सीरीज में, उसके अंदर 64 MP तक के कैमरे दे दिए गए थे, बट इसके अंदर आपको 12 MP देखने को मिला है। गूगल ने अपने एंड्रॉइड टीवी के लिए एंड्रॉइड 11 का वर्जन रोल आउट कर दिया है। इसके अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी और बेटर सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाएगी। अब मुझे लगता है कि पंच होल सेल्फी कैमरा का जमाना जाने वाला है और अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा का जमाना आने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले ही ZTE एक्सॉन लॉन्च हुआ था, तो रियलमी ने भी अपना एक नया फोन किया है Realme XE, जिसके अंदर अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो Motorola ने अपना E7 Plus लॉन्च कर दिया है ₹9,499 में। इसके अंदर आपको 48 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, Snapdragon 460 देखने को मिल जाएगा और 4GB+64GB की स्टोरेज इसमें आपको मिलेगी। काफी लंबे इंतजार के बाद बॉस ने अपने स्लीपबर्ड 2 लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप में से काफी लोगों को नहीं पता कि स्लीपबर्ड क्या होता है तो मैं बता देता हूँ कि स्लीपबर्ड आपको सोने में मदद करते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं, ऐसे म्यूजिक होते हैं जो आपको जल्दी सोने में मदद करते हैं। जो अब कंपनी ने स्लीपबर्ड 2 लॉन्च किया है, इसके अंदर आपको काफी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर अब नॉइस मास्किंग भी आ गई है। नॉइस मास्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर आसपास कोई कुत्ते भौंक रहे हैं या किसी चीज की आवाज आ रही है आपको, उसको भी ये दबा देता है। तो एप्पल ने अपना ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर। अब आप एप्पल के सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हैं सीधा डायरेक्ट एप्पल से, अब आपको किसी रीसेलर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जियो ने अपने कुछ नए पोस्टपेड प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। इसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन फ्री में दी जाएगी और इसके प्राइस रेंज ₹399 से स्टार्ट है। तो अब Xiaomi अपना Mi 10T सीरीज लॉन्च करने वाला है 30 सितंबर को इंडिया के अंदर। इसके अंदर आपको 2 फोन देखने को मिल जाएंगे, Mi 10T और Mi 10T Pro। ये Mi 10 के ही कुछ नए अपग्रेडेड वर्जन होने वाले हैं। तो लोग Xbox सीरीज X और S का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उनके प्री ऑर्डर इंडिया में स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप प्री ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप Amazon या Flipkart या Reliance Digital से प्री ऑर्डर कर सकते हैं। तो कुछ खबर निकल के आ रही है कि Apple अपना एक नया इवेंट करने वाला है अक्टूबर के अंदर। इसके अंदर वो सिर्फ iPhones को लॉन्च करेगा और एक फोटो सामने आई है जिसको देखकर लग रहा है कि iPhone 12 मिनी देखने को मिल सकता है। और कुछ न्यूज निकल के आ रही है कि इस बार 4 नए फोन लॉन्च कर सकता है, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max। तो बस यही थी आज की हमारी टॉप 10 टेक न्यूज इन 2 मिनट्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपसे मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।